हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और न्यू धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस, आज के वीडियो में तो बहुत ज्यादा यूनिक यूनिक टाइप की चीजें होने वाली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, स्पाइडरमैन वाली बहुत ही प्यारी किट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही ज्यादा मजेदार बैटल वाला बेब्लेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 रुपीज का ड्रोन का बॉक्स रखा हुआ है। ड्रोन भी मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट टाइप की चीजें रखी है जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इतनी सारी चीजों में अगर आपको एक भी चीज चाहिए तो उसका नाम आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, वन बाय वन में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज गाइस, मैं आपको दिखा दूं बहुत ही यूनिक टाइप की, ये देखो हमारे पास है यहां पर एक कुछ इस तरह का पाउच है ना, जिसके अंदर आपको चार अलग अलग कार्टून कैरेक्टर देखने को मिल रहे होंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं ये सारे कैरेक्टर इरेजर हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, कैरेक्टर इरेजर है ना, कुछ इस तरह का ये बॉक्स है जिसके अंदर हमें चार अलग अलग कार्टून कैरेक्टर देखने मिलते हैं, और ये सारे के सारे इरेजर हैं जो कि पेंसिल का लिखा हुआ इरेज करेंगे। ये देखो 50 रुपए इसका प्राइस है। सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं मिकी माउस, वाओ कितना क्यूट दिखाई दे रहा है गाइस, है ना। और ये है हेलो किटी, ये देखो है ना, ये पूरा का पूरा इरेजर है। आप इसके पार्ट्स को ना अलग भी कर सकते हैं, देखो यहां से आप इसके पार्ट्स को अलग भी कर सकते हैं, दोबारा से असेंबल भी कर सकते हैं। और गाइस ये देखो यहाँ पे डोरेमोन है, ये तो सबका फेवरेट होता है। देखो डोरेमोन की गर्दन मैंने अलग कर दी है, डोरेमोन तो लगभग सभी का फेवरेट होता है। और यहाँ पे विनी द पू भी है गाइस, ये भी एक बहुत फेमस कार्टून है ना। चार इरेजर हमें देखने को मिलती है एक पाउच के अंदर, जिसका प्राइस है 50 रुपए। तो गाइस मैं इसको पैक कर देता हूँ वापिस से। अगर आपने इस तरह की अलग अलग कैरेक्टर वाली इरेजर यूज किया तो कॉमेंट में जरूर बताना। और गाइस इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक और यूनिक चीज, ये देखो इसका प्राइस है 20 रुपीज, और गाइस ये 2-in-1 चीज है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है कैट्स पॉ, यानी कि बिल्ली का पंजा है ना। अभी बिल्ली का पंजा कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये बहुत ही यूनिक चीज भी है गाइस। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया बाहर, और ये छोटी सी कैट का एक पैर है ना। बट गाइस मैं आपको बता दूं ये 2-in-1 चीज है। पहले तो ये यहां से पेंसिल डाल के हम इससे पेंसिल शार्प कर सकते हैं, है ना, ये शार्पनर है। और साथ ही साथ इसकी जो पूरी येलो वाली बॉडी है, ये पूरी इरेजर है। आप इसे पकड़ के कुछ इस तरह से किसी भी एंगल से पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, यानी कि छोटी सी क्यूट सी दिखने वाली चीज शार्पनर और इरेजर का कॉम्बिनेशन है ना। कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हैं। 20 रुपीज इसका प्राइस है। सो गाइस काफी ज्यादा मजेदार है। और गाइस इसके बाद ये देखो हमारे पास एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस चीज, जो कि है गाइस एक लेजर पॉइंटर, यानी कि लेजर लाइट। 50 रुपए इसका प्राइस है। बट गाइस ये नॉर्मल लेजर लाइट जैसी नहीं है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है ना। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, और अंधेरे में आपको इसकी रेंज भी दिखाऊंगा कि इसकी रेंज कितनी ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे 3-3 लेंस है, और लेंस को लगा के आप अलग अलग कैरेक्टर देख सकते हैं। लेंस से मतलब थोड़े थोड़े अलग अलग डिजाइन आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हुक होता है। और यहाँ पे हमें इसके अंदर 3-3 बैटरीज देखने मिलती है। आप में तो काफी सारे लोगों ने इस तरह की लेजर लाइट जरूर यूज की होगी, तो जल्दी से मैं इसको आपको असेंबल करके दिखाता हूँ, है ना। और फुल अंधेरे में इसकी रोशनी भी चेक करेंगे गाइस, इसकी रोशनी कितनी ज्यादा है ना। ये देखो बैटरीज मैंने इसके अंदर लगा दी है, आपको दिखाई दे रही होगी। ऊपर से हमें इसे करना पड़ेगा बंद। 50 रुपए इसका प्राइस है। कभी कभी 60-70 रुपए की मिलती है, क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। और गाइस ये देखो यहां से हमने इसे पूरा रेडी कर लिया है ना। अब गाइस देखते हैं, गाइस ये देखो वाओ इसके अंदर से रोशनी कितनी ज्यादा आ रही है, देखो है ना। ये तो मेरे चारों तरफ लाइट जल रही है तब आपको इतनी ज्यादा रोशनी दिखाई दे रही है। अगर फुल अंधेरे में यूज करेंगे तो गाइस मजा ही आ जाएगा। तो चलो गाइस इसको फुल अंधेरे में चला के देखते हैं कि इसकी रोशनी कितनी ज्यादा है। सो गाइस आप देख सकते हैं चारों तरफ फुल अंधेरा है। अब मैं लेजर लाइट को ऑन करता हूँ, और गाइस ये देखो जैसे ही मैंने लेजर लाइट को ऑन किया तो इसकी रोशनी आपको साफ साफ कैमरे पर पड़ती हुई दिखाई दे रही होगी, ये देखो है ना। अब मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे घर के पास है, और जैसे ही मैं इसको दूर ले जाता जाऊँगा तो गाइस आप देख सकते हैं वो देखो सामने वाले घर की दीवार पर आपको अंधेरे में साफ साफ लेजर लाइट दिखाई दे रही होगी। और वो देखो एक बहुत ज़्यादा दूर है घर, वहाँ तक आपको इसकी लेजर लाइट साफ साफ दिखाई दे रही होगी, ये देखो है ना। तो ओवरऑल गाइस ये 50 रुपए की लेजर लाइट, इसकी रेंज सच में काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो गाइस वाओ, ये गाइस 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज जा रही है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो गाइस ये देखो है ना, 1 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज आराम से जा रही है। और गाइस जब मैं आपको इसको हरे पौधों पर मार के दिखा रहा हूँ, ये देखो ये ग्रीन ग्रास है, हरी घास है जिनके ऊपर कुछ इस तरह से लेजर लाइट वर्क करती है। और गाइस जब आप दूर भी देख सकते हैं, ये देखो उस सामने वाली दीवार पे आप देख सकते हैं किस तरह से लेजर लाइट काम करती है ना। 50 रुपए की लेजर लाइट इतनी पावरफुल होगी ये कोई सोच नहीं सकता, बट गाइस ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। सो गाइज आपने देखा कि 50 रुपए की लेजर लाइट ने कमाल ही कर दिया, इसकी रेंज कितनी ज्यादा है। फुल अंधेरे में तो गाइज ये बहुत ज्यादा दूर तक जाती है ना। अगर आपने इस तरह की लेजर लाइट यूज किया तो कमेंट में जरूर बताना। और गाइज इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर दो स्पाइडरमैन वाले आइटम। ये देखो एक तो ये रखा मेरे हाथ में, और एक वहां पर है स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी स्पाइडरमैन वाली होगी। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन है तो इसको देखना गाइज, यहाँ पे लिखा स्पाइडरमैन है ना,
और गाइज मैं इसको ओपन करता हूँ, देखना इसके अंदर कितना ब्यूटीफुल आइटम आपको सारा का सारा मिलने वाला है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस लगभग 200 रुपए के आसपास है। तो गाइज ये देखो, इसको मैंने कर लिया है ओपन, और गाइज ये देखो इसके अंदर में काफी सारी चीजें देखने मिलती है, जैसे कि सबसे पहले वैक्स क्रियॉन्स कलर देखने मिलते हैं। वन बाय वन सारी चीजें दिखाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। ये देखो इसके अंदर में कुछ इस तरह के 6 अलग अलग वैक्स क्रियॉन्स कलर देखने को मिलते हैं, है ना। और यहाँ पे गाइज ये देखो बाकी चीजें मैं आपको दिखाया था, ये देखो हमें कुछ इस तरह का रेड कलर का स्पाइडरमैन वाला शार्पनर देखने को मिलता है, एक इरेजर देखने को मिलता है, देखो इस पे स्पाइडरमैन का पैटर्न भी बना हुआ है। और गाइज ये देखो स्पाइडरमैन वाला स्केल भी है, वाओ कितना अमेजिंग है, काफी फ्लेक्सिबल स्केल है, और स्पाइडरमैन वाली पेंसिल भी है, चारों चीजें स्पाइडरमैन वाली है ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक और अमेजिंग चीज है, ये देखो ये है गाइस स्पाइडरमैन डिजाइन वाला मेटल क्वालिटी का बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, काफी बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स है, स्पाइडर सेंस स्पाइडरमैन यहाँ पे लिखा है, कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इसके पीछे ABCD भी लिखी है कैपिटल में, और 1 से 9 तक टेबल भी लिखी हुई है। और गाइस यहाँ से अगर हम इसको ओपन करें तो गाइस ये देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, इसके अंदर आप ये सारा सामान आराम से डाल सकते हैं गाइस, ये देखो है ना, और भी सामान आ जाएगा, पैसे वगैरह आप कुछ भी रखना चाहे तो आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। और हमारा ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन है, काफी चीज हमें इसके अंदर देखने को मिली है, और 200 रुपए से आसपास आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड फेमस चीज जो की है बहुत ही प्यारा बेब्लेड, और गाइज ये नॉर्मल बेब्लेड नहीं है, बहुत ही हैवी बेब्लेड है। तो जल्दी से मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इसके ऊपर स्टेपलर की पिन लगी हुई है। सो गाइज ये देखो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब गाइस ये नॉर्मल बेब्लेड से अलग क्यों है, क्योंकि गाइस ये बैटल वाला बेब्लेड है, इसके ना कोने में बहुत प्यारे प्यारे से कील लगी हुई है, जो कि गाइस अगर आप हाथ लगा दोगे ना इसको चलते हुए तो आपके हाथ में चोट पहुंचा देगा, मतलब आपके हाथ से खून भी निकाल देगा, ये इतना हैवी है गाइस ये। तो ये देखो गाइस मैंने इसको यहां से निकाल लिया बाहर, ये इसका लॉन्चर। अब गाइस मैं आपको बेब्लेड दिखाता हूं, ये देखो नॉर्मल बेब्लेड से कितना अलग है, ये देखो है ना। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसके ब्लैक वाला पार्ट लगा हुआ ना, ये बहुत ही डेंजरस है, अगर आप इसे चलते टाइम ऐसे रोक दोगे ना तो आपके हाथ को चीर फाड़ कर देगा, ये देखो है ना, बहुत ही अमेजिंग। एक बार मैंने ट्राई किया था गाइस, मेरे हाथ में काफी ज्यादा चोट आई थी, और फुल मेटल क्वालिटी में है। साइज आप इसका मेरे हाथ में देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है, फुल मेटल क्वालिटी में गाइस। और ये इसके लॉन्चर, ये देखो ये लॉन्चर है ना, पूरा का पूरा सारा सामान है। तो चलो गाइस इस बेब्लेड को हम चला के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस बेब्लेड चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्चर है, प्लास्टिक का लॉन्चर है गाइस, इसके अंदर मैं इस बेब्लेड को चलाने वाला हूँ, और इस बेब्लेड से हम फाइट करा के देखेंगे कि गाइस ये फाइट में सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसका साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा साइज है। तो गाइस चलाते हैं, 3, 2, 1, गो। और गाइस ये देखो बेब्लेड को मैंने चला दिया, और गाइस ने तो लॉन्चर को ही घुमाकर रख दिया है। अब इस वाले को चलाते हैं, देखते हैं गाइस फाइट कैसी होती है। 3, 2, 1, गो। और गाइस ये चला तो नहीं है, बट गाइस आप देख सकते हैं, वो गाइस ये देखो इसने इसको टक्कर मारी था गाइस, आप देख सकते हैं, वाओ बड़ा वाला बेब्लेड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके आगे छोटे वाले बेब्लेड नहीं सर्वाइव कर पाएगा गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखो ये बार बार इसको स्टेडियम से बाहर फेंक देता है, आप देख ही सकते हैं, काफी अमेजिंग गाइस ये देखो है ना। तो ये बड़ा वाला बेब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल है गाइस, ये देखो अभी तक ये इसको टक्कर मार रहा है, देखो है ना, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं गाइस दोनों का साइज आपको दिखाया था, ये देखो इसका साइज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, और ये छोटे साइज का है, बट जो इसके कांटे लगे हुए ना गाइस ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि बेब्लेड का पूरा बैटल बना जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइस आपने देखा कि ये बेब्लेड सच में बहुत ज्यादा औसम है ना, इसे चलाने में काफी ज्यादा मजा आया। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 100 रुपीज इसका प्राइस है, 100 रुपीज में हमें बेब्लेड विद लॉन्चर मिल जाता है, पूरा का पूरा सेट। और गाइस इसके बाद ये देखो हमारे पास स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये देखो स्पाइडरमैन का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये ज्योमेट्री बॉक्स है ना, और कितना मोटा है, मतलब नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स से ट्रिपल मोटा है गाइस, इसके अंदर बहुत ज्यादा सामान आप रख सकते हैं। इसके यहाँ पे लॉक लगा है, लॉक मैंने खोला है, तो गाइस ये देखो इसके अंदर हमें पेंसिल स्केल शार्पनर इरेजर देखने को मिलती है। और गाइस ये देखो यहाँ से इसकी ट्रे को अगर हम ऊपर करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर ना नीचे भी ट्रे है गाइस, ये देखो इसके नीचे भी स्पेस है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है ना। और अगर हम इस ट्रे को यहाँ पे रख के इसको बंद करें तो यहाँ से आपको सारा सामान दिखाई दे रहेगा, और यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात, इसके अंदर हमें एक मैजिकल मार्कर देखने को मिलता है, और ये मैजिकल मार्कर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये देखो सबसे पहले हमें मैजिकल मार्कर को ओपन करना है और यहाँ पे चलाना है गाइस, ये देखो, और जो इसके ऊपर यहाँ पे ब्रश लगा हुआ ना, इस ब्रश से आप इसको इरेज कर सकते हो, ये देखो है ना, ब्रश से इरेज हो जाता है, ये इसकी सबसे स्पेशल बात है, इसलिए इसको मैजिकल मार्कर कहा जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं स्पाइडर मैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी ज्यादा उस समय है ना, अगर आप स्पाइडर मैन के फैन है तो ये चीज आपको जरूर पसंद आई होगी। इसको मैं वापस से यहाँ पे रख लेता हूँ। और गाइस ये देखो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा पाउच जो कि गर्ल्स के लिए है, इसके पास स्वीट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका पहले आप डिजाइन देखो, वाओ
कितना औसम इसका डिजाइन है ना। और यहाँ पे छोटा सा फ्लावर लगा हुआ है विद हुक, है ना। और गाइज आप देख सकते हैं ओवरऑल कैसी इसकी क्वालिटी है। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो गाइज ये देखो, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, यानी कि आप इसके अंदर बहुत सारे पैसे रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं जगह के हिसाब से, है ना। और गाइज ये ओवरऑल कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो इसका प्रिंट है ना गाइज, ये सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है, मजा आ गया। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 100 रुपीज। और हमारे पास है यहाँ पर एक और पाउच, ये भी गर्ल्स के लिए है गाइज। इसको आप देख सकते हैं छोटा सा रैबिट टाइप का पैटर्न ये बना हुआ है, इसके कान भी बने हुए हैं। और ओवरऑल आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी क्वालिटी है, और आप इसको बैंड भी कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर में काफी सारा सामान देखने मिलता है। सबसे पहले हमें इसके अंदर एक स्ट्रैप देखने मिलता है, ये देखो कितना बड़ा स्ट्रैप है। और बाकी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा गाइज। और गर्ल्स को तो ये चीज जरूर यूज करनी चाहिए। ये देखो हमें इसके अंदर तीन चार चीजें देखने मिलती है, जल्दी से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो पूरा पूरा बैग खाली हो गया। सबसे पहले हमें इसके अंदर देखने मिलता है एक कुछ इसी पैटर्न वाला, अब ये पता नहीं क्या है, ये कौन सा कार्टून है मुझे नहीं पता, इसी पैटर्न वाला एक मिरर देखने को मिलता है। ये देखो इसके अंदर मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, जो कि गर्ल्स यूज कर सकती हैं। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमें इसके अंदर कुछ इस तरह का छोटा सा चाबी का छल्ला देखने को मिलता है। ये देखो कितना क्यूट सा, कितना औसम दिखाई दे रहा है ना। लवली लीना बेल यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा है गाइज, मजा आ गया। और यहाँ पे इसका लॉक भी लगा हुआ है, ये देखो हुक लगा हुआ है, ये देखो, है ना। और साथ में हमें कुछ इस तरह का एक कॉम्ब देखने को मिलता है, है ना, ये भी काफी प्यारा सा है और फुल मेटल क्वालिटी में, ये लोहे का है, काफी वेट भी है इसके अंदर। और सबसे अमेजिंग बात, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, ये देखो इसके अंदर बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और इसको लॉक करके कुछ इस तरह से बंद करके आप ये स्ट्रैप जब इसके ऊपर लाएंगे ना, तो गाइस ये पर्स बन जाएगा। और जब गर्ल्स इसे लेके अपने साथ यूज करेंगे तो गाइस ये बहुत ज्यादा क्यूट दिखाई देने वाला है। सो गाइस अगर आप गर्ल हो तो आपको ये चीज जरूर यूज करनी चाहिए। ये देखो बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है गाइस, ये देखो, है ना, कितना ज्यादा उस समय उस ट्रैप के साथ आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। और इसका साइज भी बड़ा छोटा हो जाता है, देखो यहाँ से, है ना, मजा आ गया। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस 200 रुपीज है, 200 रुपए में आपको ये पाउच मिल जाएगा। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। और गाइज हमारे पास है यहाँ पर एक 2-in-1 चीज, ये देखो ये एक 2-in-1 चीज मैं आपको बता दूं, ये क्या है, ये शार्पनर और इरेजर का कॉम्बो है, इसका प्राइस है 20 रुपए। तो गाइज मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो यहां से मैं इसको ओपन करूंगा तो गाइज इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर, है ना। और इसको बंद करने के बाद हम पेंसिल को यहां से शार्प कर सकते हैं, देखो यहाँ पे छेद है, यहां से पेंसिल को कुछ इस तरह से शार्प कर सकते हैं। और जो ऊपर इसका टेडी बियर वाला ये पार्ट है, इससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। 20 रुपीज में आपको इतना औसम प्रोडक्ट देखने मिल रहा है, जो कि स्टूडेंट को 100% इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे पास है यहाँ पर, ये देखो और भी आइटम है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। सबसे पहले गाइज ये देखो, हमें डेकोरेट करने के लिए कुछ इस तरह का एक छोटा सा आइटम मिलता है, जिसका प्राइस है 50 रुपए, है ना। जल्दी से मैं इसको पाउच से बाहर निकालता हूँ, और गाइज आप इसको घर में यूज कर सकते हैं, 50 रुपए इसका प्राइस है। ये देखो छोटा सा क्यूट सा कुछ इस तरह का बॉटल वाला एक छोटा सा डेकोरेटिव आइटम, इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी वाइन की बोतल लगी हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, और पीछे इसके लगा हुआ है यहाँ पे मेटल, जो कि चिपक जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो हमारे पास एक लोहे वाला ज्योमेट्री बॉक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चिपक जाता है। ये देखो इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है ना। अगर आप इसको अपने घर की अलमारी वगैरह पे यूज करेंगे तो बहुत ही औसम लगेगा गाइस। ये डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, 50 रुपए इसका प्राइस है, 50 रुपए में इतनी औसम चीज आपको देखने को मिलती है। और हमारे पास है यहाँ पर, ये देखो प्यारा सा एक 10 रुपीज का पाउच, जिसके अंदर हमें 4 अलग अलग डिजाइन वाली चीजें देखने मिलती है। मैं आपको बताता हूँ गाइस ये क्या है, पहले हम इसको पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं गाइस। ये देखो वाओ कितना औसम है। सो गाइस मैं आपको दिखा दूं पहले इसका डिजाइन, फिर आपको खुद ही ये पसंद आएगी, है ना। 10 रुपीज इसका प्राइस है। और गाइस ये देखो 10 रुपीज में हमें यहाँ पर 4 इरेजर देखने को मिलती है। ये देखो 4 अलग अलग कलर वाली इरेजर्स, और बहुत ही क्यूट क्यूट लग रही है गाइस। ये देखो, है ना, अगर आप स्टूडेंट तो ये आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये देखो, है ना, इससे आप पेंसिल का लिखा हुआ आराम से इरेज कर सकते हैं, और कितना ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा है। 4 इरेजर, इसको मैं साइड में रखता हूँ। और हमारे पास यहाँ पर है एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेन इंजन, है ना, और ये ट्रेन इंजन जैसा दिखाई देता है, बट इसके अंदर ना ट्रक वाले टायर लगे हैं गाइस। ये देखो 6 टायर लगे हैं। बाय बाय बियर यहाँ पे लिखा है, गुड नाइट लिखा हुआ है, बाय बाय बी बियर लिखा हुआ है, गुड नाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। सामने से आप देख सकते हैं ट्रेन इंजन जैसा ये दिखाई दे रहा है ना। बट गाइस ये ट्रेन इंजन जैसी दिखने वाली चीज एक्चुअल में कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो, ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके अंदर आप काफी सारा सामान रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस है। और इसको अगर हम यहाँ से बंद करें और यहाँ से ओपन करें तो गाइज ये देखो, इसके नीचे भी बहुत ज्यादा स्पेस है, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 9 तक टेबल लिखी हुई है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं अगर आप इसको पूरा ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। ये देखो, है ना, कितनी औसम चीज। और सबसे अमेजिंग बात है गाइज इसके अंदर ना यहाँ पे शार्पनर लगा हुआ है, यहाँ से पेंसिल डालोगे तो आप पेंसिल को शार्प कर सकते हो। और गाइज ये देखो शार्पनर, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ओपन होगा, आई थिंक ये यहीं से ओपन होगा गाइज। ये देखो इसके अंदर शार्पनर है, जो कि आई थिंक टूट गया है,
कोई बात नहीं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे, है ना। बट गाइस ये आपकी पेंसिल को बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प करेगा। ये देखो यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा देता हूँ तब ये बंद हो पाएगा। और गाइस ये देखो हमारे को मिलता है ट्रेन डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, जिसके नीचे लगे हैं 6 टायर और गाइस इसके अंदर काफी स्पेस भी है और काफी बड़ा शार्पनर भी लगा हुआ है। प्राइस है इसका 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और गाइस ये देखो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा जूयू क्यूब, रूबिक्स क्यूब तो आपने बहुत देखे होंगे, बट गाइस आज मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखो प्राइस इसका 200 से 300 रुपए के बीच में है। ये देखो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा रूबिक्स क्यूब, ये देखो जूयू क्यूब इसको कहते हैं। और गाइस इसके सारे पार्ट घूमते हैं जैसे कि एक नॉर्मल रूबिक क्यूब होता है, बट जो इसका डिजाइन है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, ट्रायंगल शेप में आता है। ये देखो है ना, आप इसको किसी भी एंगल से देखोगे तो गाइस ये ट्रायंगल जैसा ही दिखाई देगा। ये देखो और इसको आप कितना भी घुमा लो गाइस बहुत ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये देखो है ना, तो काफी प्यारा सा ये दिखाई दे रहा है, मजा आ गया। अगर आपने कभी जूयू क्यूब यूज किया है तो क्या बताना, और अगर आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है तो भी कमेंट में जरूर बताना। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा आइटम जो कि है गाइज, ये देखो प्यारी सी एक गन है ना। पहले आप इसका डिजाइन देखो, इसको मैंने हाथ में पकड़ रखा, बिल्कुल रियल गन जैसी ये दिखाई देती है। बट गाइज ये रियल गन नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड गन है। इसके अंदर 3 सेल डालने पड़ते हैं, 3 AA बैटरी मैंने इसके अंदर डाल रखी है। और इसका बॉक्स मैं आपको पहले दिखाता हूँ गाइज, ये देखो ये है इसका बॉक्स, डेजर्ट ईगल इस गन का नाम है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड लाइट इलेक्ट्रिक टॉय गन है गाइस, ये है ना कुछ इस तरह का ही दिखाई देता है। ये वाला कलर हमारे पास है और ये अलग कलर में भी आती है, और भी कलर इसके आते होंगे। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, 200 रुपीज इसका प्राइस है। ये देखो अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर लाइट जलती है और साउंड आता है। देखो ये देखो गाइस वाओ है ना, कितनी औसम चीज। ये देखो इसके अंदर लाइट जलती है यहाँ पे, और हाथ पे आपको लाइट दिखाई भी देगी। ये देखो है ना, और नॉन स्टॉप ये चलती रहती है। ये देखो अगर आप स्टूडेंट है तो गाइस आपको रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी है ना, और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये। अगर आप बच्चों को देंगे गाइस तो बच्चे इससे खेलेंगे, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए इसको कोई भी यूज कर सकता है, इससे चोट वगैरह नहीं लगेगी। तो गाइस काफी प्यारी सी चीज है ये देखो है ना, मजा आ गया। अगर आपने इस तरह की टॉय गन यूज किया तो कमेंट में बताना, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और गाइस हमारे पास है यहाँ पर, ये देखो एक बहुत ही प्यारा सेट जो कि बहुत ही यूनिक टाइप का सेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर में 2-3 चीजें देखने को मिलती है जो कि आपको 100% पसंद आएंगी। ये देखो प्राइस है इसका 200 रुपये, और 200 रुपये में हमें देखने को मिलती है बहुत ही प्यारा आइटम जिसमें है गाइस चाबी के छल्ले। ये देखो एक बाइक वाला चाबी का छल्ला है, इसका डिजाइन देखो वाओ क्या डिजाइन है गाइस, मजा आ गया है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है बाइक का डिजाइन है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप चाबी के छल्ले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फास्ट एंड फ्यूरियस है ना, कितना औसम। और गाइस इसके साथ हमें यहाँ पे एक और चाबी का छल्ला देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक आदमी है, अ कूल बॉय इसके बैंड के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो है ना कितना औसम लग रहा है। ये देखो और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिजाइन, दोनों चाबी के छल्ले आप एक साथ देखेंगे तो गाइस ये सुपर कूल लगने वाले हैं। 200 रुपये इसका प्राइस है, तो गाइस इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम, ये देखो जो कि है कुछ इस तरह का एक स्केच कलर पेन का बहुत ही प्यारा बॉक्स, इसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका प्राइस बता दूं, इसका प्राइस भी 200 रुपये के आसपास है। ये देखो यहाँ से ओपन होता है, अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ये चीज़ आपको 100% यूज करनी चाहिए। यहाँ पे इसके पीछे ना टेप लगी है, ये मुझे हटानी पड़ेगी। ये देखो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आपको ड्रोन भी दिखाऊंगा और भी आइटम दिखाऊंगा जो कि मैंने साइड में रख रखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये देखो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, और इसको ओपन करना तो ओपन नहीं हो पा रहा है, टेप लगी हुई है इसके ऊपर। ये देखो बहुत ही हार्ड टेप लगा रखी है ताकि गाइस इसकी क्वालिटी खराब ना हो, मतलब गिरने पे टूटे ना। ये देखो है ना, अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने इसको किया ओपन, तो गाइस आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसके अंदर स्केच कलर लगे हुए हैं। अब ये स्केच कलर हम यूज करके देखेंगे, एक ये रेड निकाल लेते हैं और एक इधर से ग्रीन निकाल लेते हैं है ना। आप देखते हैं गाइस ये कैसे वर्क करते हैं, मुझे तो लग रहा है 2-in-1 कलर है गाइस ये। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है, और ये लाइट ग्रीन सा है, अजीब सा कलर है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और यहाँ से भी ओपन होगा शायद, ये यहाँ से ओपन होगा। ये देखो गाइस यहाँ से भी अलग टाइप का कलर है गाइस, ये देखो है ना कितनी अमेजिंग चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चल रहा है गाइस। और मैं रेड वाला आपको यूज करके दिखाता हूँ, यहाँ से ओपन करेंगे तो नॉर्मल कलर है। ये देखो ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ना, और दूसरी साइड से ओपन करेंगे तो हाइलाइटर टाइप का है गाइस ये। ये देखो यहाँ पे छोटा सा हाइलाइटर लगा हुआ है। ये देखो गाइस वाओ बहुत ही औसम है गाइस, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए। मैं सारे कलर्स आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितने औसम लग रहे हैं है ना। ये देखो वाओ यार मजा आ गया। सो गाइस ड्राइंग करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही औसम प्रोडक्ट होने वाला है, 200 रुपये से ज्यादा इसका प्राइस है, मजा आ गया इसको यूज करके। और गाइस इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें, ये देखो
है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है तो आपने ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स जरूर यूज किया होगा, क्लासमेट का ज्योमेट्री बॉक्स है। इसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो कि है गाइज आई थिंक 200 रुपीज। इसका प्राइस ढूंढना पड़ेगा गाइज, ये देखो यहाँ पे इसका प्राइस लिखा है 200 रुपीज। इसका प्राइस है 200 रुपये का ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, और बहुत ही औसम होने वाला है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम जो सामान देखने को मिलता है वो कैसी क्वालिटी का है। सो गाइज बॉक्स तो हो गया खाली, और गाइज ये देखो इसकी क्वालिटी देखो, वाओ मजा आ गया है ना। इसको मैं ओपन करता हूँ। सो गाइज ये देखो इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल वगैरह जितने भी होते हैं सब कुछ है। और नीचे इसके ओपन करके देखते हैं, ये देखो कंपास है, पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल है, देखो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्लासमेट की इरेजर है, शार्पनर है, एक नॉर्मल पेंसिल है, और गाइज ये देखो यहाँ पे हमारे को एक मैकेनिकल पेंसिल देखने को मिलती है और कंपास वगैरह है ना। और मैकेनिकल पेंसिल के लिए हमें छोटी छोटी नोक भी देखने को मिलती है, ये देखो वाओ है ना। और इस मैकेनिकल पेंसिल को कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको आपको पीछे से दबाना है, नोक बाहर आती रहेगी गाइज, ये देखो कुछ इस तरह से है ना, ये देखो यहाँ से नोक बाहर आ गई है, थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, जिससे आप लिख सकते हैं और पीछे से दबा के आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस काफी प्यारा लगा मुझे तो, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जितना भी सामान है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये देखो है ना। 200 रुपये इसका प्राइस है, अगर आप स्टूडेंट है तो ये आपको 100% इस्तेमाल करना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और गाइस ये देखो हमारे पास है 10 रुपीज का एक आइटम, जो कि है गाइस एक प्यारा सा, ये देखो फाइटर प्लेन, ये देखो गाइस ये एक फाइटर प्लेन जो कि 10 रुपये की एक इरेजर है, और देखने में आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा सुपर है, मजा आ गया है ना। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और गाइज ये देखो हमारे पास एक और इरेजर है जिसका प्राइस है 10 रुपीज, और ये आपको 100% पसंद आएगी। एक अंडे के अंदर से एक छोटा सा बेबी बाहर आ रहा है, ये देखो वाओ कितना ज्यादा क्यूट ये दिखाई दे रहा है ना। 10 रुपीज का इरेजर एक ये है और एक ये है। सो गाइस अगर आपको डिजाइनर चीजें यूज करना पसंद है तो ये आपको 100% यूज करना चाहिए। और इसके बाद गाइज ये देखो हमारे पास है रॉकेट डिजाइन वाला एक शार्पनर जिसका प्राइस है 10 रुपीज, है ना, 10 रुपीज का शार्पनर है। और यहाँ से इसको ओपन करेंगे, आई थिंक इसको नीचे से ओपन करेंगे तो शार्पनर बाहर आ जाता है, ये देखो है ना। और यहाँ से पेंसिल डाल के पेंसिल को शार्प कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और गाइस ये बंद कैसे होगा, ये देखो ये कुछ इस तरह से लॉक होगा आई थिंक। सो गाइस ये तो काफ़ी प्यारी चीज़ है, और इसको बंद करने में थोड़े एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, बट 10 रुपीज़ में इतना अच्छा शार्पनर आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस जब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्यारा सा ड्रोन जिसका प्राइस है 2000 रुपये के आसपास, है ना। तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं, मैं आपको इसके अंदर क्या क्या सामान है वो दिखा देता हूँ, और फिर हम इसको फ्लाई करके देखेंगे कि ये किस तरह से फ्लाई करता है। तो गाइस ये देखो हमें इसके अंदर रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, यूजर मैनुअल है यहाँ पे रखा हुआ है, और पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं HX750 ड्रोन यहाँ पे लिखा हुआ है। 14+ एज वाले बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस ये देखो कुछ इस तरह का बॉक्स है, इसके स्पेसिफिकेशन इसके कार्ड के अंदर लिखे हुए, और यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोल जिसके अंदर हमें बैटरी डालनी होती है। तो गाइस बैटरी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है ना। और ये हमारा प्यारा सा ड्रोन, साइज आप इसका देख सकते हैं मेरे हाथ में, ज्यादा बड़ा इसका साइज है नहीं, है ना, बट गाइस मैंने इसको फ्लाई करके देखा है, गाइस ये बहुत ऊपर तक फ्लाई कर सकता है ना। आप इसको 15 मिनट चार्ज करेंगे तो ये 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो गाइज ये देखो लाइट जलनी शुरू हो गई है ना। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब गाइज इसका रिमोट कंट्रोल मैं ऑन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको मैंने ऑन किया तो गाइज आप देख सकते हैं उसके अंदर लाइट जल रही है। और अब मैं आपको इसे फ्लाई करा के दिखाता हूँ गाइज, ये देखो है ना बहुत ही प्यारे तरीके से फ्लाई करता है। मैं अपने हाथ पे रख के इसको फ्लाई करा के दिखाता हूँ, ये देखो गाइज है ना, इसका हवा का प्रेशर देखो गाइज, हवा बहुत ज्यादा इसके अंदर से आती है, और कुछ इस तरह से आप इसको हाथ से फ्लाई कर सकते हैं, ये देखो है ना कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। सो चलो गाइज इसको उड़ा के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो गाइज ड्रोन को हम इंडोर में उड़ा के देखने वाले हैं, तो चलो इसको स्टार्ट कर दिया है। और गाइज आप देख सकते हैं कितना स्टेबल होकर ये फ्लाई कर रहा है ना, बहुत ही प्यारा ड्रोन है गाइज। और गाइज इतने कम प्राइस में इतना अच्छा ड्रोन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और देखो आप देख सकते हैं इसको कमरे में कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि कमरे का साइज काफ़ी छोटा है, बट गाइज इसको फ्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। सो गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है। और गाइज ये देखो बार बार ये डिसबैलेंस हो जाते हैं क्योंकि कमरे का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो चलो गाइज इसको ना आउटडोर में उड़ा के देखते हैं कि आउटडोर में कैसे वर्क करता है। तो चलो गाइज इसको बाहर लेके चलते हैं। और गाइज ये देखो बाहर मैं इसको फ्लाई करने वाला हूँ। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, गो। और ये देखो हमारा स्टार्ट हो गया है ना। सो गाइज आप देख सकते हैं अब मैं इसको दूर तक फ्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी दूर तक जा सकता है। सो गाइज ये देखो ड्रोन को मैंने फ्लाई कर दिया, तो उसको नीचे लाते हैं थोड़ा सा, और ये नीचे आ गया। तो चलो इसको दोबारा से दूर ले जाके देखते हैं इसकी रेंज कितनी हो सकती है। तो चलो गाइज मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। और गाइज ये देखो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया कि दिखाई देना ही बंद हो गया है।
वाओ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ना गाइस। दिखाना ही दिखाई देना बंद हो गया, तो चलो इसको पास बुला लेते हैं थोड़ा सा। और गाइस ये देखो ड्रोन थोड़ा सा पास आ गया है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है गाइस, इसे उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही प्यारा सा ड्रोन है, कम प्राइस में इतना अच्छा ड्रोन मिलना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप भी चाहते हैं ड्रोन आपको मिल जाए तो आप अमेजोन से इसका नाम देख के इसको सर्च करके खरीद सकते हैं, मज़ा आ गया इसको फ्लाई करने में। सो गाइज अगर आप कम पैसों में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो गाइज ये वाला ड्रोन आपको 100% ट्राई करना चाहिए, बहुत ही प्यारा है, इसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको एक व्हाइट कलर में मिल जाएगा और एक ब्लैक कलर में मिल जाएगा, नाम आप इसका देख सकते हैं, अमेजोन से आप इसको खरीद सकते हैं, HX750 ड्रोन इसका नाम है ना, बहुत ही प्यारा है गाइज, मज़ा आ गया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और गाइज लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो हमारे पास है कुछ इस तरह की चाबियां, ये देखो एक चाबी है जो कि गाइज इसको अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं तो गाइज ये एक पेन है, इसको आप एक नॉर्मल पेन की तरह यूज कर सकते हैं, बट जो इसका डिजाइन है वो एक बहुत बड़े ताले की चाबी जैसा दिखाई देता है। 20 रुपीज इसका प्राइस है। और यहाँ पे हमारे पास है कुछ इस तरह की बड़ी सी तलवार, ये देखो है ना, और ये तलवार कितने बड़े साइज की आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे। और गाइज अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो गाइज ये देखो ये भी एक नॉर्मल पेन है, इसको आप पेन की तरह यूज कर सकते हैं, और ऐसे बंद करके जो इसका डिजाइन है गाइज ओवरऑल बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्यारा सा चाकू, ये देखो है ना, और इसकी इसकी साइन आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं कितना औसम है। बट गाइस अगर हम इसको यहां से ओपन करते हैं तो ये भी एक नॉर्मल पेन है ना, चाकू वाले डिजाइन वाला पेन। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइटम दिखाए हैं, इतने सारे आइटम में अगर आपको एक भी पसंद आया उसका नाम मुझे कॉमेंट बताना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियो में लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक लेते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।